जनपद हापुड़ में सड़क हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोडवेज बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने पर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के स्याना चौपला का है, जहां पर रोडवेज बस ने 55 वर्षीय किसान सुरेश, जो कि गांव सिकंदरपुर का निवासी बताया जा रहा है, जिसको रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही इस दर्दनाक हादसे की पुलिस को सूचना मिली, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजने का जैसे ही प्रयास किया तो मृतक के परिजन मुआवजे की मांग पर अड़ गए। तो वही पूर्व विधायक मदन चौहान समेत काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर मौके पर पहुंच गए और NH9 पर मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग पर आश्वासन दिलाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर SDM विजय वर्धन, CO पवन कुमार और इंस्पेक्टर मुकेश कुमार समेत काफी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंच गए। परिजनों को आश्वासन दिलाने के बाद मामला शांत हुआ। ये सिकंदरपुर गांव का रहने वाला है, सुरेश, उम्र करीब 55 साल है। ये स्याना चौपले से गांव से आए थे किसी काम से गढ़ के लिए। स्याना चौपले की सड़क मृत्यु हुई तो कुछ गांव वाले आ गए, उनके परिवारी जन आ गए, कुछ उनका डिमांड थी कि मृतक जो है भूमि है उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। घर का अकेला कमाने वाला था, उसके संदर्भ में लोग रुके हुए थे। मैं और हमारे SDM साहब दोनों